गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंटीजर्स के लिए नेक्स्ट टॉपिक, दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक नंबर लाइन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा जो नंबर लाइन। नंबर लाइन डिपेंड करता है कि हम किस साइड जा रहे हैं, मीन्स दैट कि अगर हमको पता करना है विच इज़ अ ग्रेटर इंटीजर और विच इज़ स्मॉलर इंटीजर, तो हम क्या पता करेंगे कि वो कैसे पता चलेगा। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास दो नंबर है, जैसे माइनस वन और एक वन है, तो इसमें हमको पता होना चाहिए कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन या मेथड या लॉजिक कह सकते हैं कि जो नंबर पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है, और ये निगेटिव साइड है, ठीक है ये पॉजिटिव साइड है और ये निगेटिव साइड है। जब कोई नंबर पॉजिटिव साइड जीरो से जितना दूर जाता जाएगा, ठीक से सुनने मेरी बात, जो नंबर पॉजिटिव साइड जीरो से जितना दूर जाता जाएगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड के बारे में बात करें, पॉजिटिव मतलब जितना दूर जाओगे पॉजिटिव में जीरो से, वो क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड के बारे में बात करें। दूसरी बात करेंगे अब निगेटिव साइड के बारे में। निगेटिव साइड के बारे में क्या बात करेंगे, जब नंबर जीरो से दूर जाएगा तो वो उतना छोटा होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास माइनस थ्री है और माइनस वन है। अब इसमें हमको पता करना है कि कौन सा बड़ा है, तो हम लिखेंगे माइनस वन। ठीक है, और इस ग्रेटर देन का साइन के बारे में हम लोग क्या इसका लॉजिक है, जो इसका ओपन फेस है, ओपन फेस हमेशा बड़े नंबर के साइड होता है, और जो क्लोज फेस है, जो एरो वाला फेस है, जो बंद फेस है, वो कहाँ होता है, छोटे नंबर के साइड होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं माइनस का। फॉर एग्जांपल 200 एंड 19। अब इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है पता करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो माइनस 200 है, ये जीरो से काफ़ी दूर है और ये निगेटिव साइड है। ठीक है, अरे जो 19 है पॉजिटिव साइड है, क्योंकि यहाँ कोई नंबर प्रेजेंट नहीं, तो हमको पता है कि सामने पॉजिटिव है, प्लस का साइन प्रेजेंट है, तो ये जीरो से जितना दूर जाते जा रहे हैं ये उतना प्लस होता है, क्योंकि पॉजिटिव साइड है। तो कौन सा नंबर होगा ये। और एक जीरो के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, जीरो को ना हम निगेटिव में काउंट करते हैं ना पॉजिटिव में काउंट करते हैं, बट जो जीरो है वो हर निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। जो जीरो है हर निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, हमेशा याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 1000 है और यहाँ पर जीरो है, अगर इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे तो हमेशा कौन सा बड़ा होगा, जीरो। ठीक है, दो बात, और दूसरी बात ये कि जीरो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, और जीरो से हमेशा छोटा होगा। ठीक, मतलब निगेटिव इंटीजर से हमेशा जीरो बड़ा होगा और पॉजिटिव इंटीजर से हमेशा छोटा होगा, बट ये ना पॉजिटिव में काउंट होता है ना निगेटिव में काउंट होता है। ठीक है, ये कुछ होमवर्क्स हैं, इसको कर लेना, मैं इसको रफ करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ये कुछ होमवर्क से इसको करके मुझे सेंड करना, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, मीन्स निगेटिव और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, और एक है डिवीजन। ठीक है, दो हमको टॉपिक अभी कवर करने हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन की खास बात क्या है, जैसे दो नंबर है, एक के साथ पॉजिटिव एक के साथ निगेटिव, तो पहले हम साइंस को समझ लेते हैं। साइंस क्या होता है, साइन क्या होता है वो समझ लेते हैं, साइन के बाद हम समझेंगे। देखो, अगर ये पॉजिटिव माइनस साइन है, सॉरी पहले प्लस साइन है, इसका मल्टीप्लाई हुआ प्लस के साथ, तो हमेशा क्या आएगा, प्लस। ये सिर्फ साइन के बारे में बात करें, नंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है प्लस 5 × + 2। ठीक है, सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस यहाँ क्या लिखा, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस, यहाँ पर प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, उसके 5 × 2 = 10। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें मान लो माइनस इंटू प्लस, ये हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, जैसे माइनस 5 × + 2। सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करने से वो माइनस आ जाएगा, और 5 × 2 = 10 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, माइनस 10। इसमें एक लॉजिक और है,
कि जब ये साइन अपोजिट हो, मान लो पहले प्लस हो, तो प्लस टू हो इनटू माइनस फाइव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक ही चीज़ देखेंगे माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस टेन ही होगा, क्योंकि साइन का मल्टीप्लाई पहले का तो किस तरह प्रेजेंट है हमको फर्क नहीं पड़ता, प्लस टू माइनस टू माइनस टेन। ओके, नेक्स्ट हमारा और एक है माइनस ठीक है, जब दो माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या आता है, एक प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे माइनस फाइव इंटू माइनस टू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, ये हो गया प्लस, और फाइव टू ज़ा टेन, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस और फाइव टू ज़ा टेन, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, तो हमेशा क्या आएगा, माइनस। ओके, अगर प्लस कोई प्लस वाले नंबर है उसको हम माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। फॉर एग्जांपल प्लस टेन डिवाइडेड बाय माइनस टू, ठीक है, अगर यहाँ मैं नंबर नहीं भी लिखता तो इसके सामने हमेशा प्लस प्रेजेंट रहेगा, ये माइंड में रखना हमेशा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये माइनस है, हमको पता है कि माइनस प्लस को माइनस से डिवाइड कर, तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा, ठीक है। अब टू फाइव सा टेन, तो आंसर क्या है हमारा, माइनस फाइव। ये अगर अपोजिट भी रहता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे माइनस टेन डिवाइडेड बाय टू, तो ये भी क्या होगा, माइनस फाइव। सेम जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन किए थे यहाँ पर, ये वाले क्वेश्चन, हाँ ये वाले क्वेश्चन जो किए थे उसी टाइप का होता है। तो नेक्स्ट क्या होगा, अब जैसे माइनस इंटू माइनस है, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, ये क्या होगा, प्लस, ठीक है। जैसे माइनस टेन डिवाइडेड बाय माइनस टू, तो हमको क्या पता है, माइनस को माइनस डिवाइड करें तो माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिखो मत लिखो कोई मतलब नहीं है, पर हम लोग समझ रहे हैं तो अभी लिखेंगे, तो टू फाइव ज़ा टेन, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस, ये तो हमको शुरू से करते आ रहे हैं, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, आंसर इज प्लस, ठीक है। प्लस टेन डिवाइडेड बाय प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, और प्लस फाइव दोनों सही है, ठीक है। कुछ होमवर्क्स लास्ट में दिया हुआ था, अब ये कुछ होमवर्क है, इसको करना और मुझे साइन कर देना, ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, ठीक, कोई डिफरेंस होगा तो करके भेज देना, मैं बाद में डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।